गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम इस पार्ट टू में अपने स्लैक बोर्ड को एक्सटेंड करेंगे। हम एक लुई अकाउंट बनाएंगे और उसमें लुई की ऐप बनाएंगे ताकि यूज़र कुछ भी सवाल पूछे हम उसका जवाब दे सकें। तो सबसे पहले lui.ai पे जाते हैं, वहाँ पे आप लॉगिन करेंगे अपना। हम एक नया अकाउंट बनाते हैं, sandeep.lui.demo@outlook.com। उसका एक पासवर्ड सेट करेंगे। लॉगिन होने के बाद आप कंटिन्यू, आप एक नई ऐप बनाएंगे। आप अपने डिफरेंट डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के लिए नई ऐप बना सकते हैं। उस ऐप का कुछ नाम दिया, जैसे हम इंडिया के बारे में बताते हैं इस ऐप में। मैंने लिखा लुई का नाम अबाउट इंडिया, डन। और हम उसमें इंटेंट बनाएंगे। यूज़र जब भी कोई सवाल पूछता है तो उसका एक इंटेंशन होता है, उस इंटेंशन को यहाँ पे इंटेंट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज उसको अपने भारत के डिफरेंट स्टेट्स के बारे में पता करना है, तो वो स्टेट्स के ऊपर कोई सवाल पूछेगा जिसमें हम उसको स्टेट काउंट का इंटेंट रिटर्न करेंगे। और सपोज भाषा के बारे में पूछता है कि कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो हम एक इंटेंट बनाएंगे अबाउट लैंग्वेजेस। और वो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम अटरेंसेस बोलते हैं। इन अटरेंसेस को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जरूरी नहीं है कि आप सारे ऐड करें, अब जितना ऐड करेंगे आपका लुई ऐप उतना ही ट्रेन हो जाएगा और उतना अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। अदरवाइज़ आपको अपना लुई का कॉन्फिडेंस स्कोर आपको कम रखना पड़ेगा। हमें हम यहाँ पे पाँच छः अटरेंसेस स्टोर कर लेते हैं स्पेसिफिक स्टेट काउंट के अंदर। फॉर एग्जांपल, यूज़र पूछता है कि मुझे स्टेट काउंट के बारे में बताओ, स्टेट में कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और मुझे टेरिटरी यूनियन टेरिटरीज़ की या स्टेट्स की लिस्ट दिखाओ। इस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें डाल देंगे। यूज़र और भी तरह के सवाल पूछ सकता है जो आप ऑन द वे डेली बेसिस पर ट्रेन कर सकते हैं। जब आपका हो जाए तो आप इसको ट्रेन कर दीजिए। आपका ट्रेनिंग लेने में कुछ सेकेंड्स लेगा, और ट्रेनिंग होने के बाद आप इसको पब्लिश कर दीजिए। पहले इसको टेस्ट करके देखते हैं। कुछ भी एक सवाल पूछिए, फॉर एग्जांपल स्टेट काउंट प्लीज़, हमने ये डाला तो उसने दिखाया कि स्टेट काउंट का आपका इंटेंट आया है और उसका कॉन्फिडेंस 94.3% है। मीन्स लुई ऐप, आपकी लुई ऐप 94% कॉन्फिडेंट है। हमने इसको पब्लिश किया और वी आर रेडी टू कंज्यूम इट इन आवर ऐप। हमको कुछ आईडीज़ नोट करनी होंगी। आप एक नोट पैड में इस एप्लीकेशन आईडी को स्टोर कर लीजिए। इसे पब्लिक बना दीजिए अपनी ऐप को, ताकि इसको दूसरी ऐप्स कंज्यूम कर सकें, दूसरी ऐप्स मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर इसको कंज्यूम कर सकें। ऑथरिंग की आप कॉपी कर लीजिए और URL कॉपी कर लीजिए, एंड पॉइंट जिसको हम एक्चुअल में कंज्यूम करेंगे। और आज की टिप, अपना बिंग चेक को एनेबल मत कीजिए, ये आपका बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। तो हमने यहाँ पे दो इंटेंट बना लिए, स्टेट काउंट और लैंग्वेजेस काउंट, जिसमें हमने कुछ अटरेंसेस डाल दिए हैं। इसको ट्राई करके देखते हैं। कुछ एक सवाल पूछते हैं आपके स्लैक बोर्ड से जो इन इंटेंट्स को रिटर्न करेगा। व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ इंडिया, हम ये सवाल पूछते हैं। तो हमारे पास जवाब आता है कि 29 इंडिया में 29 स्टेट्स हैं और 9 यूटीज़ हैं, और उनकी लिस्ट भी आ गई। ये हम आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी दिखाएंगे कि हम इसको टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए उस सवाल को घुमा के पूछते हैं। टेल मी अबाउट स्टेट्स ऑफ इंडिया, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। देखिए, हम डिफरेंट डिफरेंट सवाल आपसे इनसे पूछ रहे हैं और ये सही जवाब दे रहा है। हमने एक सवाल पूछा, व्हाट अबाउट इंडियन यूटीज, इसने एक गलत जवाब दिया, क्योंकि ये इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के फॉर्मेट के लिए ट्रेन नहीं है। अगर हम ये यूटीज वर्ड भी आपके इस ऐप में डाल देंगे तो ये इसके लिए ट्रेन हो जाएगा और आपको अच्छा रिस्पॉन्स आपको दे पाएगा। चलिए अब चलते हैं, चलिए कुछ एक सवाल और पूछते हैं। पहले स्टेट्स, अब लैंग्वेजेस के बारे में पूछते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज यूज्ड इन इंडिया। देखिए, इसने अब लैंग्वेज के ऊपर जवाब दिया। आपने यहाँ देखा होगा इसमें आपका हिंदी बोल्ड है, इंग्लिश आपका इटैलिक है, और 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस भी आपका बोल्ड है। एक जेसन रिटर्न होती है जब आप लुई अपने एंड पॉइंट को हिट करते हो। आपका एक टॉप स्कोरिंग इंटेंट आता है और उसके अंदर एक डिक्शनरी आती है जिसमें आपका इंटेंट का नाम, उसके अंदर कितना स्कोर है वो दिखाता है परसेंटेज में। 0.21 इज 21% आपका कॉन्फिडेंट आपका लुई कि आपका स्टेट काउंट आया था। अगर यूजर ने क्वेश्चन पूछा तो गुड वन, 21% इज वेरी लेस। ऐसे ही आपका और बाकी जितने पॉसिबल इंटेंट्स हैं उनके और उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनका क्या कॉन्फिडेंस है वो भी आपको दिखा देगा। तो हम इसी चीज़ को, इसी जेसोन को अब हम यूज़ करेंगे अपने कोडिंग में आपका एक सही जवाब कैप्चर करने के लिए। चलते हैं अपने फेवरेट पार्ट कोडिंग पे, जिसमें हम इंटीग्रेट करेंगे लुई को अपने पाइथन स्लैक बोर्ड के साथ। तो सबसे पहले हम इस दो
सेक्शन के बीच में जो लिखा है सिर्फ हमने वही चेंज किया है, बाकी सारा कोड एज इट इज़ आपका पहले से है। हमने रिक्वेस्ट और जेसन को इंपोर्ट कर लिया है, और अब सबसे पहले हमने इस यूआरएल को उठाया, और ये वही यूआरएल है जो एंड पॉइंट हमने कॉपी किया था। हमने इस यूआरएल के आखिर में जो यूज़र ने क्वेश्चन पूछा उसको अपेंड कर देंगे, और यूजर रिक्वेस्ट को कॉल करेंगे गेट मेथड के थ्रू। अब एक जो हमारा रिस्पांस आया है हम ये चेक करेंगे कि हमारा ओके आया या फेलियर आया। अगर ओके आया है तो हम ये चेक तो उसको जेसोन से पास कर लेंगे, जेसोन डॉट लोड्स लोड एस लोड स्ट्रिंग, उसके अंदर देखेंगे टॉप स्कोरिंग इंटेंट का स्कोर क्या है, उसको एज ए फ्लोट कन्वर्ट कर लेंगे। हमने 50% कॉन्फिडेंस यहाँ पे यूज़ किया है, आप अपने केस में इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस रख सकते हैं अगर आपको लुई अच्छे से ट्रेंड है तो। हमने देखा आपका अगर टॉप स्कोरिंग इंटेंट का इंटेंट डॉट लोअर, हमने हमने केस इंसेंसिटिव किया उसे और उसको चेक किया कि अगर उस स्टेट काउंट के इक्वल है तो हमने ये स्ट्रिंग रिटर्न किया। ये देखिए जो नीचे जो आप देख रहे थे वो पूरी स्ट्रिंग एज इट इज़ आई है। और अगर आपका ये ऑल अबाउट लैंग्वेजेस के बारे में है तो ये, अब ये जो दो स्ट्रिंग्स हैं स्टेट काउंट और अबाउट इंडियन लैंग्वेजेस, ये दोनों सेम इंटेंट के नेम हैं जो आपने यहाँ देखे थे। मैच करके देखते हैं, अबाउट इंडियन लैंग्वेजेस एंड स्टेट काउंट, ये आपका स्टेट काउंट देखिए एज इट इज़ है। आप इस चीज़ को आप डायनेमिक बना सकते हैं, आप किसी एक्सेल में डाल सकते हैं, किसी सीएसवी में अलग से स्टोर कर सकते हैं। सिंपलिसिटी के लिए मैंने इस पूरा का पूरा कोड में स्ट्रिंग डाल दिया है। और अगर आपको इन चीज़ में से कुछ भी नहीं आता है तो एक स्टेटिक मैसेज रिटर्न करेंगे, हैप्पी टू रिप्लाई अबाउट दीज थिंग्स, फॉर अदर थिंग्स आई एम गेटिंग ट्रेंड। ये जो ट्रिपल स्लैश ट्रिपल टिल है ये आपका फॉर्मेटिंग के लिए है, आपका एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा जो आपने इसके अंदर लिखा है, टैब स्पेसेस एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएंगे। और अगर आप डबल सिंगल स्टार के बीच में आप कुछ डालेंगे तो वो बोल्ड में आएगा, अंडरस्कोर के बीच में डालेंगे तो इटैलिक में आएगा, हिंदी और इंग्लिश जैसा उसमें आ रहा था आउटपुट में आपकी। ये रहा हिंदी आपका बोल्ड में था ये स्टार के बीच में, और इंग्लिश आपका अंडरस्कोर के बीच में है, और ये आपका एक ब्लॉक के बीच में है, जैसे कहते हैं प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा अच्छा तब लगेगा जब आप मेरी नोबल रिक्वेस्ट मान के समाज में एक अच्छा ही इंट्रोड्यूस करेंगे। आप पिज़्ज़ा बर्गर जाने खाने जाते हैं, कुछ भी फास्ट फूड खाने जाते हैं, आपका 200 300 500 रुपये का खर्चा हो जाता है। वही अगर आप एक रिक्शा वाले के पास जाते हैं या किसी से सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, बार्गेन करते हैं, भैया 2 रुपये कम कर दो, वो मत करो। उस पैसे को कमा के बहुत बड़े आदमी नहीं बन जाएंगे ना, उस 2 रुपये 5 रुपये से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वही अगर आप एक दिन एक वीकेंड पे अगर आपने एक दिन पिज़्ज़ा नहीं खाया तो आपको पूरा मंथ 2 मंथ का आपका वो बार्गेन का पार्ट कवर हो जाएगा। अब बच्चों को भीख मत दीजिए, लेकिन अगर आपको एक अच्छी चीज़ दे रहा है, अच्छी चीज़ बेच रहा है तो उसे दीजिए, और उसको उसको इनक्रेज करिए कि बेटा पढ़ाई कर। आप अगर 20-50 बच्चों को बोलेंगे, 20-50 लोगों के साथ अच्छा करेंगे तो हो सकता है कि एक आपकी रिक्वेस्ट कंसिडर कर ली जाए, और इससे आपको भी अच्छा लगेगा, आपको उस पेट भरने से उस फास्ट फूड खाने से ज़्यादा अच्छा लगेगा।